हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं जितेंद्र सैनी, स्वागत है आपका एनविरा ऑनलाइन स्कूल पर। आज हम एक बार फिर क्लास 12 की बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जूलॉजी का चैप्टर लेंगे हम, मानव का अंग यानी कि मानव का श्वसन तंत्र। तो मुख्य रूप से बात करूं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मानव का श्वसन तंत्र। आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला है, नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 23। ये जूलॉजी का है, जूलॉजी के अंदर ज्यादा ह्यूमन फिजियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर मानव श्वसन तंत्र के, चलिए आपने अभी तक श्वसन तंत्र के बारे में क्या पढ़ा है, क्या समझा है, इसको आप गौर कीजिएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मानव के अंदर तो सभी प्रकार के जो जीवों के अंदर क्या होती रहती है, देखो जीवों के अंदर होती रहती है जैविक क्रियाएं। क्या होती रहती है? जैविक क्रियाएं। सभी प्रकार के जो जीव होते हैं उन जीवों के शरीर के अंदर क्या होती रहती है? जैविक क्रिया होती रहती है। अब अगर जैविक क्रिया होगी तो जरूरत किसकी है? इनको जरूरत होती है ऊर्जा की। किसकी? ऊर्जा की, एनर्जी की इनको जरूरत होती है। अब ये एनर्जी, ये ऊर्जा इनको मिलेगी कैसे, ये सोचना है। अब ये ऊर्जा कैसे मिलेगी? अपने को पता होना चाहिए कि ये ऊर्जा मिलती है खाद्य पदार्थों से। कैसे? कि ये ऊर्जा किससे मिलती है? ये ऊर्जा मिलती है खाद्य पदार्थों के, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ये ऊर्जा मिलती है। सभी प्रकार के जीवों के अंदर जैविक क्रियाएं होती रहती है। जैविक क्रियाओं के लिए क्या जरूरी है? ऊर्जा। ऊर्जा किससे मिलती है? खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से मिलती है। लेकिन होता क्या है? इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि जो श्वसन है, श्वसन वो भी एक प्रकार की क्या है? जैविक क्रिया। श्वसन भी क्या है? एक प्रकार की जैविक क्रिया है। श्वसन भी एक प्रकार की जैविक क्रिया है, जिसमें क्या होता है कि जीवों की जो जैविक कोशिकाएं होती हैं, जीवित कोशिकाओं में उपस्थित, इसमें क्या होता है? जीवित कोशिकाओं में उपस्थित, जीवित कोशिकाओं में श्वसन एक प्रकार की जैविक क्रिया है। जीवित कोशिकाओं में उपस्थित भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, जीवित कोशिकाओं में उपस्थित भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, भोजन का जब ऑक्सीकरण होगा तो फलस्वरूप के रूप में क्या मिलेगी अपने को? ऊर्जा प्राप्त होती है। अब कैसे? कि औषधि के फलस्वरूप क्या होती है कि ऊर्जा है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी चीजें प्राप्त होती है। ऑक्सीकरण हुआ, क्या प्राप्त हुआ अपने को? ऊर्जा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें अपने को रिजल्ट के तौर पर मिली। अब अपने को क्या चाहिए था? हमने बात की थी कोई भी सभी प्रकार की जैविक क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपने को क्या चाहिए था? ऊर्जा चाहिए थी, लेकिन साथ में दो चीजें होती है। जल का उपयोग शरीर के अंदर हो सकता है। अब ये एक चीज बन गई है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। अब क्या करना है उस अपशिष्ट पदार्थ को? क्या करना है अपने को? बाहर निकालना है। लेकिन अपने को जो एक ये ऊर्जा मिल रही है, ये ऊर्जा किसके रूप में मिल रही है? ये ऊर्जा अपने को एक रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में मिल रही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में एक रासायनिक ऊर्जा अपने को प्राप्त हो रही है। और ये जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो मैं अब आपसे पूछूं कि अभी तक जो हमने ये थोड़ा सा प्रोसेस समझा है, इस प्रोसेस में अपनी श्वसन की परिभाषा क्या बना सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि श्वसन एक प्रकार की जैविक क्रिया होती है जो जीवों, सजीवों के अंदर पाए जाने वाले जीवित कोशिकाओं में होती है। क्या होता है कि जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ऊर्जा एटीपी के रूप में, एक रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त की जाती है, जल शारीरिक क्रियाओं में काम लिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो अपशिष्ट पदार्थ होती है वो बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि ऑक्सीकरण तो हुआ, लेकिन अब यह श्वसन की क्रिया कितने प्रकार की हो सकती है, यानी कि मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो श्वसन कितने प्रकार का हो सकता है उसके बारे में भी हम जानते हैं कि श्वसन क्या होता है, श्वसन कितने प्रकार का होता है, श्वसन अपने लिए क्या उपयोगी है, क्यों श्वसन क्रिया जरूरी है, अगर जीवों के अंदर श्वसन क्रिया नहीं हो तो क्या होगा, सभी सवालों का अभी जवाब मिलेगा। तो देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं श्वसन के प्रकार की, इसकी श्वसन के प्रकार, श्वसन की परिभाषा को हमने समझ लिया, अब हम बात करते हैं श्वसन के प्रकार की। श्वसन दो प्रकार का हो सकता है, कितने प्रकार का, दो, एक तो हो सकता है बाह्य श्वसन, क्या हो सकता है, बाह्य श्वसन, और एक होता है आंतरिक श्वसन, बाह्य श्वसन और एक होता है आंतरिक श्वसन। अब बाह्य श्वसन क्या होता है, आंतरिक श्वसन क्या होता है, बाह्य श्वसन यानी कि एक्सटर्नल अगर रेस्पिरेशन को मैं बात करूं तो अपने को पता है कि बाहर से कैसे, अगर आपसे कोई चीज पूछ ले कि आप कोई चीज बाहर से ग्रहण करवानी है तो आप क्या करोगे, अपने को पता है कि वायुमंडल में पाई जाती है ऑक्सीजन, क्या पाई जाती है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर एंटर करवाना है जिससे ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी, और रिजल्ट के तौर पर देखो CO2 ही एक ऐसी चीज बनती है, CO2 ही जो क्या होती है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होती है, उसको क्या निकालना है अपने को, वापस वायुमंडल में भेजना है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वातावरण से सीधा संपर्क, क्या कह सकते हैं, वातावरण से किया गया श्वसन, वातावरण से किया गया श्वसन, ये हम इसको कह सकते हैं। अब हम मुख्य रूप से बात करेंगे तो इसको ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करता है, CO2 को बाहर निकालता है, इसे बाह्य श्वसन कहते हैं, लेकिन इसके बाद भी अपने को क्या पता चलता है कि कोशिकाओं के मध्य O2 और CO2 का विनिमय होता है, इसमें मुख्य रूप से सांस लेना वगैरह की प्रक्रिया होती है, यानी कि बाह्य वातावरण से ये क्या है, वातावरण है, वातावरण से ऑक्सीजन अंदर गई, कोशिका से सेल्स बाहर आई, यानी कि ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होना वातावरण के मध्य बाह्य श्वसन कहलाता है। इसके एग्जांपल की बात करूं तो सांस लेना है, वेंटिलेशन है, इस प्रकार के ये बाह्य श्वसन के क्या होते हैं एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब मैं बात करूं कि भाई बाह्य श्वसन में ये आंतरिक श्वसन क्या होता है, तो आप क्या सोचोगे कि बाह्य श्वसन तो हमने की बात कर ली, वायुमंडल से हमने कोई चीजें मिल रही है, अब आंतरिक श्वसन क्या होगा कि प्राणी द्वारा जो ऑक्सीजन ये अंदर जा रही है, ये ऑक्सीजन, अब प्राणी द्वारा जो मुख्य रूप से ऑक्सीजन के उपयोग तथा कार्बन डाई व एटीपी के रूप में उत्पादन से संबंधित प्रक्रिया है आंतरिक कोशिका श्वसन। कैसे, ऑक्सीजन जो अंदर गई उसका तो करना है उपयोग, जिससे क्या होता है कि CO2 निकलती है वो होती है बाहर, यानी कि कोशिकाओं के अंदर, और इसके साथ साथ अपने को क्या मिलती है एटीपी के रूप में। जीवों के अंदर कोशिका प्रवेश सॉरी ऑक्सीजन प्रवेश कर लिया शरीर के अंदर, यानी कोशिकाओं के पास गया आंतरिक श्वसन, यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग होकर ऑक्सीडेशन की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है अवशिष्ट पदार्थ के रूप में और एटीपी के रूप में ऊर्जा को प्राप्त करना, यह संबंधित क्रिया होती है उसको बोलते हैं, इसे आंतरिक श्वसन या इसे हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। अब ये आंतरिक श्वसन क्या होता है, ये आंतरिक श्वसन होता है दो प्रकार का, एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनऑक्सी श्वसन। आंतरिक श्वसन की बात करूंगा तो एक होगा क्या, ऑक्सी श्वसन, और दूसरा होगा अनऑक्सी श्वसन। एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन किसे कहेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया गया, यानी कि ऑक्सीजन
की उपस्थिति में किया गया श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर किया गया श्वसन, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो कोशिकीय आंतरिक श्वसन होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया गया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक अम्ल के रूप में बनता है, तत्पाद में लैक्टिक अम्ल वगैरह बनते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीजें थी जो हमने जनरल नॉलेज पढ़ा है श्वसन का, जो हमने बहुत छोटी क्लासों में पढ़ा था, इसके बारे में थोड़ी जानकारी अपने को थी। नॉर्मल सा मैंने ओवरव्यू बताया, ज्यादा डिटेल में नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें अपने को ऑलरेडी पता है। इसके बाद अपना जो इस मानव का श्वसन तंत्र का टॉपिक का मेन जो स्टार्ट होता है भाग, वो होता है मानव श्वसन अंग एवं श्वसन तंत्र, इसको अब हम देखते हैं। अपना जो अगला पार्ट है वो इसमें क्या है श्वसन में, कि श्वसन अंग तथा श्वसन तंत्र, यानी कि अपने जो श्वसन तंत्र जो चैप्टर चल रहा है पूरा, उसके अंदर श्वसन अंग कौन कौन से हैं और श्वसन तंत्र में किस प्रकार कार्य प्रणाली इनकी होती है, तो देखते हैं क्या होता है। कि अपने को पता है कि मुख्य रूप से श्वसन अंग कौन कौन से, देखो श्वसन अंग की बात करेंगे तो बाह्य नासा छिद्र है, नासा द्वार है, नासा गुहा है, कंठ है, श्वास नली है, श्वसनीय है, फेफड़े है। यहां से इस पूरे एरिया को अपने को पढ़ना है। ठीक है, नॉर्मल से मैं पहले बता देता हूं। देखिए क्या होता है कि प्रत्येक अपने लिए श्वसन में वायुमंडल के संपर्क में रहता है नासा द्वार। ठीक है, नासा द्वार के रूप में श्वसन में गैसों को आदान प्रदान करने के लिए एक श्वसन अंग तथा श्वसन तंत्र पाया जाता है। नासा छिद्र मुख्य रूप से क्या होता है कि अंदर का नासा द्वार के अंदर का वाला भाग होता है, उसके अंदर क्या होता है श्लेष में चीजें पाई जाती है, श्लेष संरचना श्वसन मार्ग बनाती है। नेसल कैविटी के अंदर रोम, श्लेष मज्जिली और मुख्य रूप से हम बात करें तो सर्पिल अस्थियों से बना होता है। भीतर जाने वाली वायु को वो छानता है, अपशिष्ट पदार्थों कणों तथा धूल भरे जो भी पदार्थ होते हैं उन सबको रोकता है और मैरोमियल संरचना शुद्ध वायु को अंदर की तरफ भेजती है। ठीक है, नासा मार्ग के अंदर याद रखना नेजल है, प्री मैक्सिला, मैक्सिला, एथमॉइड अस्थियां वगैरह सारी पाई जाती है और ये आगे चलकर नासा ग्रसनी के अंदर खुलती है, वायु प्रवेश करती है। यहाँ से आने वाली वायु गर्म होती है, उसको आगे कंठ ग्रसनी के अंदर भेज दिया जाता है और कंठ ग्रसनी के माध्यम से क्या किया जाता है, इसको आगे की तरफ प्रेषित किया जाता है। कंठ ग्रसनी कंठ लैरिंग्स में खुलती है और ये श्वसन नली के आगे त्रिभुजाकार भाग की संरचना होती है जो कंठ को भित्ति को उपास्थि से बना प्राप्त करती है। अब देखो ये कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल वे में आप समझिए मेरे साथ में कि वायु नासा द्वार जब प्रवेश करती है आगे आती है तो इसके भाग में ये ऊपर के बाद भाग होता है कंठ छंद कहलाता है, इसे कंठ कहते हैं नीचे वाला। यहाँ पर ये जो नब्बी नलिका का कृष्णी वाला एरिया नजर आ रहा है इसके ऊपर अपूर्ण उपास्थि में झल वलय पाई जाती है, यानी कि अपूर्ण पाए जाते पूरे नहीं होते, पूरे इस प्रकार ऐसे होते थे पीछे से ऐसे पूरे छिलकर आगे की तरफ अपूर्ण उपास्थि में झलने पाए जाते। ठीक है, और आगे की तरफ ये छिले चलकर आगे की तरफ श्वसनी का भाग बनाते हैं। ठीक है, श्वास नली का भाग। अब देखो मानव का श्वसन तंत्र का मुख्य भाग होता है फेफड़े, मुख्य भाग क्या होता है फेफड़े, बाकी सारे क्या होते हैं सहायक अंग होते हैं। फेफड़े कितने पाए जाते हैं मानव के अंदर, दो फेफड़े पाए जाते हैं, एक जोड़ी या हम कह सकते हैं दो फेफड़े पाए जाते हैं, कैसे राइट और लेफ्ट दोनों भाग। ठीक है, अब मुख्य रूप से बात करेंगे तो लेफ्ट और राइट। ठीक है, इन दोनों फेफड़ों के अंदर क्या होती है असंख्य कोशिकाएं पाई जाती है, लगभग 60 करोड़ के आसपास कोशिकाएं पाई जाती है। अब होता क्या है कि श्वास, ये जो श्वास नली है वो आगे चलकर दो भागों में बढ़ती है, दाई और बाई भाग में ये आगे चलकर श्वसनिकाएं बनाती है, श्वास नली प्राथमिक द्वितीय तृतीय करके और अंत रूप में जो अंगूर के कुछ नुमा संरचना नजर आ रही है कोशिका का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और इन कोशिका के अंदर क्या होता है कि श्वसनों का गैस वायु बह जाती है वापस आती है और इन्हीं के नीचे 0.2 μ के बैरियर से रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा होता है, रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा होता है। अभी इसको अपने आईबीसी क्या कहते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रत्येक फेफड़े के चारों तरफ एक फुफ्फुस आवरणी झिल्ली पाई जाती है जिसके अंदर क्या पाया जाता है फुफ्फुस आवरणी द्रव पाया जाता है। ठीक है, दोनों फेफड़ों के नीचे आधारी भाग पर डायफ्राम पाया जाता है जो दोनों को संतुलित करता है, दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा सा राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ में हृदय पाया जाता है। ठीक है, इन सबको देखते हैं आईबीसी अपने को क्या कहती है, देखिएगा
कि प्रमुख रूप से जो बक्सी वाला भाग होता है वहां पर औटु ग्रंथि, मुद्रिका, द्रविका जिसे हम बोलते हैं, थायराइड, क्रिकोइड होता है, एरिथ्रोइड्स और एपिग्लोटिस पाए जाते हैं। कंठ के अंदर पाया जाता है स्वर रज्जु, ठीक है, स्वर रज्जु होता है जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कंठ के छिद्रों में घांटी है, छिद्रों को बोलते हैं घांटी, ग्लोटिस कहते हैं, जिसके अंदर से क्या होता है जो आगे चलकर श्वास नली के अंदर खुलता है। श्वास नली लगभग 12 सेंटीमीटर होती है, 12 सेंटीमीटर लंबी होती है श्वास नली। कंठ से वक्षीय गुहा तक ये फैली हुई रहती है, मुख्य रूप से कंठ से लेकर वक्षीय गुहा तक ये मुख्य रूप से फैली रहती है, जहां पर ये आगे चलकर दो श्वसनियों के अंदर बढ़ जाती है, दो श्वसनियों के अंदर ये बढ़ जाती है, ठीक है। श्वास नली की एवं श्वसनियों की भित्ति में सी आकार की उपास्थि जो छल्ले पाए जाते हैं, इसको सहारा प्रदान करती है, आपस में चिपकने नहीं देती है। श्वसन मार्ग की भित्ति पर श्लेष्म कोशिकाएं एवं पक्ष्माभिक कोशिकाएं पाई जाती है। श्लेष्म में क्या होता है मुख्य रूप से बात करेंगे, तो श्लेष्म में जो फंसे हुए जीवाणु सूक्ष्म को पक्ष्माभिक द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहरी ग्रसनी द्वारा लाया जाता था, श्लेष्म को निगल लिया जाता था कि वो किसके अंदर चला जाए, आमाशय में चला जाए, जहां पर क्या पाया जाता है मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे मनुष्य की जो वक्ष गुहा के अंदर बात करें तो हृदय के पास दो फेफड़े स्थित होता है, हृदय के पास दो फेफड़े मुख्य रूप से स्थित होता है। अब दाया जो फेफड़ा होता है मुख्य रूप से बात करेंगे, जो दाया फेफड़ा लेफ्ट वाला जो फेफड़ा होता है वो हमेशा याद रखना कि वो तीन दरार युक्त होता है, दाया फेफड़ा वगैरह मुख्य रूप से तीन दरार युक्त होता है, दो भले और तीन दरार पाया जाता है, और बाया फेफड़ा मुख्य रूप से क्या होता है, सॉरी मुख्य रूप से क्या मैं बात कर रहा था, अपने सामने है दाया फेफड़ा, दाया फेफड़ा किसे कहेंगे, राइट वाले को, राइट वाला कौन सा है, ये वाला, ये तीन दरार युक्त होता है, और बाया फेफड़ा कितना दरार युक्त होता है, दो दरार युक्त, एक दरार और दो पिंड युक्त होता है, ठीक है। फेफड़ों में दो फुफ्फुस आवरण, फेफड़ों के चारों तरफ प्लूरा फुफ्फुस आवरण पाए जाते हैं, प्लूरा के अंदर क्या होता है, एक प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, एक आंतरिक भाग में तरल पदार्थ भरा रहता है, उसमें कोई वायु कोश नहीं होती है, और यह कोटर फेफड़ों को चिपकने से बचाती है, जो इसके ऊपर आवरण भाग पाया जाता है ये इसको फेफड़ों को आपस में चिपकने से बचाती है, इसमें फेफड़े पिचकते नहीं है। फेफड़ों के चारों तरफ अपने को रिब्स यानी पसलियां पाई जाती है, जिससे परसों का पिंजर द्वारा यह आवृत रहती है, कवर्ड रहती है, जो पेशी तंतु और गुहा से पृथक करता है। मानव में प्रत्येक फेफड़े में एक श्वसनी एक ब्रोंकस पाई जाती है, प्रवेश करती है, जो फेफड़ों के अंदर लगातार एक श्वसनी प्रवेश की है, या आगे चलकर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक आगे चलकर श्वासनिकाएं श्वसनी श्वसनिकाएं अंतः श्वसनिका तथा श्वसन श्वसनिकाएं बनाती है। श्वसन श्वसनिकाओं की मैं बात करूं तो वायुगोपिका वाहिनी में अविभाजित होती रहती है, आगे चलकर वो विभाजित नहीं होती है। वायुगोपिका कोश या एट्रियम में खुलती है, प्रत्येक कोश या एट्रियम में की मैं बात करूं तो छोटी वायुगोपिकाओं का एक समूह जुड़ा रहता है। दोनों फेफड़ों में लगभग 60 करोड़, पहले ही मैंने बता दिया 60 करोड़ वायुगोपिकाएं पाई जाती है, और श्वसन श्वसनिकाएं वायुगोपिका वाहिनी एट्रियम एवं वायुगोपिका एक श्वसन इकाई बनाती है। हम कह सकते हैं कि जो गोपिकाएं होती है एलुलाई होती है वो क्या होती है, श्वसन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई भी होती है। प्रत्येक वायुगोपिका की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक वायुगोपिका अत्यंत सूक्ष्म प्यालेनुमा संरचना होती है, प्याले के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसका व्यास 0.2 मिलीमीटर तक होता है। इसके अंदर एक पतली भित्ति में रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, ये हमने अभी बात की, अंदर की तरफ पतली भित्ति में क्या होता है, रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है, जो जहां पर कोपिका द्वारा गैसीय विनिमय के लिए सतह प्रदान की जाती है, और इसके अंदर महीन लगभग 0.2 माइक्रोमीटर तक इसका क्या होता है, व्यास होता है, बहुत ही न के बराबर बैरियर पाया जाता है। श्वसन झिल्ली का निर्माण कोपिका की उपकला कोशिका की अंतःकला तथा मध्य उपस्थित आधारीय कला द्वारा होता है, अंतःकला और आधारीय कला दोनों द्वारा होता है। वायुगोपिका की भित्ति किससे बनी होती है, सल्क की उपकला द्वारा निर्मित होती है, सल्क की उपकला द्वारा यह बनती है, और श्वसनिका पक्ष्माभिक उपकला द्वारा आस्तरित रहती है, श्वसनिका पक्ष्माभिक उपकला द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो मुख्य प्रकार से जो हमने श्वसन के विभिन्न अंग और इसके अंदर पाए जाने वाले जो प्रणालियों के बारे में देखा है, यहाँ भी छोटा सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक था, इसके बारे में हमने बात भी की थी पहले, और ये छोटा टॉपिक है जिसको हमने 10th 11th में भी आपने पढ़ा होगा। इसके बाद अगले जो टॉपिक है मुख्य रूप से अपना श्वसन की क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आज के जो हमने इस श्वसन वाले का यानी कि मानव का श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा है, इसके अंदर मुख्य रूप से क्रियाविधि, श्वसन अंगों और श्वसन के प्रकार के बारे में देखा है। आगे वाले पार्ट टू के अंतर्गत हम श्वसन के मुख्य क्रियाविधि मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, श्वसन से संबंधित रोगों के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में भी जानेंगे, और बुक से रिलेटेड क्वेश्चन को भी साथ साथ सॉल्व करते हुए जाएंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद।